अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्यू टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली जंजानी और आज आप लोगों की सालगिरह है, तो मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को आपकी सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सालगिरह का दिन हो और तोहफा ना मिले तो आप लोग मुझसे तोहफा मंगवा सकते हैं एक्यू टीवी की जानिब से। सिंपली आपको करना ये है कि मेरा मोबाइल नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने मुझे सिंपली अपना एड्रेस मैसेज करना है और आज सालगिरह की जो तारीख है वो आपने मुझे बतानी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का रूहानी तोहफा आपके एड्रेस के ऊपर भिजवा दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं अपने आज के दिन के हाल के बारे में, अपने हफ्ते के हालात के बारे में, अपने मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि जंजानी टीवी का लिंक है उसको ओपन करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जंजानी टीवी के ऊपर रोज़ आने वाली वीडियोस से आप लोग मुस्तफीद हो सकें। तो आइए देखते हैं कि आज के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं उन लोगों की पर्सनैलिटी और क्वालिटीज़ क्या कहती हैं। 28 अगस्त के दिन पैदा होने वाले जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है, आपका मिजाज कुछ इस तरह का है कि आप लोग एक तो दूसरों के दिल का हाल बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर समझ जाते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप बड़ी खूबसूरती के साथ समझने के बाद सेम एज़ इट इज़ वही चीज़ करने का हुनर भी रखते हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़ात हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुकर्रम रहती है। दूसरे हमेशा आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात को वैल्यू करते हैं, अपने हर मसले में, इवन छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में भी वो आपका तावुन हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेसिकली आप एक नडर शख्स हैं। आप दूसरों के हक़ के लिए बात करने का हुनर रखते हैं, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए आप हमेशा कोशिश रहते हैं। इसके साथ साथ आप में क्योंकि क्रिएटिविटी भी है, आपके मिजाज में तख्लीक है, आपके मिजाज में इवन आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसको पहले से भांप के चलने का एक हुनर है, जिसकी वजह से आप हमेशा एक वसत नज़री रखने की वजह से अपने ज़िंदगी के हर फैसले को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े मुस्तहकम पहलुओं के साथ तरतीब देते हैं, जिसकी वजह से शाज़ो नाज़िर ही ऐसा होता है कि आपने कोई फ़ैसला किया हो और उसमें कोई खामी रह गई हो। इसके साथ साथ जब बात करियर की आती है तो बेसिकली आपका जो करियर है, आप हर तरह की फील्ड में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी महारत के साथ काम करने का हुनर रखते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आप वर्क एहोलिक हैं। जिस काम को करने का आप एक दफ़ा ठान लेते हैं, जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता आप उस काम से पीछे नहीं हटते, चाहे आपको कोई कितना ही रोके। लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली आप हर तरह की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का एक हुनर रखते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी फील्ड जो है उसका काम बख्शा जाए, कोई ऐसा काम दिया जाए जिसमें तख्लीक हो, जिसमें खूबसूरती पैदा करनी हो या पर जिसकी प्रेजेंटेशन देनी हो, तो बेसिकली आप बहुत अच्छा अल्फाज का सहर जादू जो है उसको जगाने का भी हुनर रखते हैं, जिसकी वजह से काम में भी खूबसूरती, चीज़ों में भी खूबसूरती और इसके साथ साथ अल्फाज में भी इतनी खूबसूरती से आप लोग लफ्ज़ों को पिरोते हैं कि दूसरा फ़र्द आपके सहर में जकड़ जाता है, दूसरा फ़र्द आपकी बात को सुनने के लिए रुक जाता है, आपकी कहे हुए अल्फाज को सुनने के लिए रुक जाता है। बेसिकली आप लोगों की पर्सनालिटी में ये हुनर मौजूद है। इसके साथ साथ जब बात मोहब्बत की आती है, जब बात रिलेशनशिप्स की आती है, तो मोहब्बत की जहाँ तक बात की जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी फ़र्द से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा आप लोग ईमानदारी के साथ चाहते हैं, आप उसमें कोई भी ऐसी बात ना करते हैं, ना कहते हैं और ना ही सुनना एक्सपेक्ट करते हैं जिससे आपकी मोहब्बत में किसी भी तौर के ऊपर कमी आए। आप दूसरे फर्ड से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी शिद्दत से आप चाह रहे हैं, जितनी पाकीज़गी के साथ आप मोहब्बत कर रहे हैं, दूसरा फ़र्द भी आपको उतनी ही शिद्दत के साथ उस मोहब्बत का जवाब दे, तभी आपका रिलेशन बड़ी खूबसूरती के साथ चल पाता है। उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपनी ज़ात को बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा, पहचाना होगा और परखा होगा और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को आप लोग मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाने के लिए मेरी आज की इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को आपकी सालगिरह का दिन बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आप लोगों से बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।